आप सभी का। मैं नेपाल आया, मेरे मित्र देश। ये मेरा भाग्य नहीं है, सौभाग्य है, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो सौभाग्य से ही होता है। भाग्य तो हर किस्मत में होता है, मगर सौभाग्य हर किसी को मिलता है। काफी समय से आने का सोच रहा था, मगर प्रोग्राम दो बार कैंसिल हो गया। मुझे इस बार सारे प्रोग्राम निपटा के बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम यही था कि अब जाना है इस बार। काफी टाइम से ये लोग जुड़े हुए रक्तदान के क्षेत्र में हमसे। हम जो कार्य करते हैं ये लोग देखते हैं, मैं जो कार्य करता हूँ ये लोग देखते हैं। मैं पिछले 10 साल से रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और आज की युवा पीढ़ी जो भी है, क्योंकि आज के टाइम में आदमी जेब से जरूर गरीब है, शरीर से कोई गरीब नहीं, सबके शरीर में खून है। तो हमारा मानना है कि 18 के बाद देश के लिए मतदान और समाज के लिए रक्तदान हर युवक को करना चाहिए। जिसमें अगर मतदान करता है तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और रक्तदान करता है तो किसी का जीवन बचता है और अपने समाज में हो रही रक्त की कमी को दूर करता है। 18 से 45 तक के जो भी युवा अपने परिवार में, उनको सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। इसके लिए हम निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग कैंप लगाते हैं, सबको अपना ब्लड ग्रुप पता हो सके। उसके साथ में हम थैलेसीमिया मुक्त मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, साथ में पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को उसकी जानकारी देना कि जो बच्चे जन्म ले चुके हैं थैलेसीमिया के, उनको तो जीवन ब्लड दे के जिंदा रखेंगे, मगर भविष्य में ऐसा बच्चा जन्म न ले जिसको थैलेसीमिया हो। अगर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा जन्म लेता है तो आर्थिक मानसिक शारीरिक तकलीफों का सामना जीवन भर करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे द्वारा कैंपिंग चलाए जाते हैं स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस में। जो अनमेरिड युवक युवतियाँ आते हैं उन्हें बोला जाता है कि शादी के पहले अपना थैलेसीमिया माइनर HbA2 टेस्ट अवश्य करवाएं। अगर आप दोनों आपस में माइनर है तो आपको आपस में शादी नहीं करना है। अगर आप शादी करते हैं उससे जो बच्चा जन्म लेता है वो एक थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक मानसिक और शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कैंपेन चला रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।